मयूरा टाउनशिप में बनेगा पद्म प्रभु जिनालय। 2200 वर्ग गज भूमि में बनेगा विशालकाय जिनालय। सांसद चौधरी व जैन समाज के लोगों ने किया शिलान्यास। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि 108 आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज के आशीर्वाद से अजमेर रोड स्थित मयूरा टाउनशिप में 2200 वर्ग गज भूमि पर विशालकाय पद्म प्रभु जिनालय बनाया जाएगा। मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ऐतिहासिक स्थल का शिलान्यास बुधवार को सांसद भगीरथ चौधरी व जैन समाज के लोगों की मौजूदगी में हुआ। अध्यक्ष विनोद पाटनी ने बताया कि आचार्य वर्धमान सागर महाराज की प्रेरणा से जैन समाज के लोगों ने किशनगढ़ में पहला पद्म प्रभु जिनालय मयूरा सिटी टाउनशिप में बनाने का बीड़ा उठाया है। करोड़ों की लागत से बनने वाले उक्त जिनालय का निर्माण 2021 में पूर्ण करने की प्लानिंग है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के पालना के तहत मुंह पर मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान की जय। ये बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। ये बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। ये बोलो आचार्य शशांक सागर जी महाराज की जय। ये बोलो मुनि विद्या सागर जी महाराज की जय। ये बोलो पवित्रमती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। समस्त आरिका संघ की जय। उपस्थित मानवों, माताओं, बहनों, आज से करीब 2 साल पहले हम लोग राजू जी गुप्ता के पास गए थे और उनसे निवेदन किया था मयूरा टाउनशिप के अंदर जिनालय निर्माण के लिए। तो उन्होंने अनंत चतुर्दशी के दिन ये करीब 2200 गज जमीन जैन जिनालय के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और उसके बाद में यहाँ पर सभी समाजजनों ने ये निर्णय किया कि भाई यहाँ पर जिनालय का निर्माण होना चाहिए। और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से हमने इसका आशीर्वाद लिया और उनकी प्रेरणा से ही यहाँ पर पद्म प्रभु जिनालय का निर्माण हो रहा है। यहाँ पास में ही हाउसिंग बोर्ड है और अगरसेन बिहार है, कृष्णापुरी है, सब पास में ही है। और यहाँ पर मयूरा टाउनशिप में भी करीब 200-250 प्लाट जैन समाज द्वारा लिए हुए हैं जो आगे निर्माणाधीन होंगे। बंदों सभी चीजों को देखते हुए हमने ये निर्णय किया कि आगे भविष्य के अंदर ज्यादातर किशनगढ़ में बसावट इस एरिया में होगी। और हमने श्रीमान महेंद्र जी अनुपड़ा साहब से निवेदन किया कि यहाँ का नक्शा वगैरह आप बनाइए और महेंद्र जी अनुपड़ा साहब ने हमारे को कहा कि मैं जैन समाज से कुछ भी नहीं लेता हूँ और मैं तो फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पर आपको जैन समाज को सेवाएं दूंगा। तो उसके लिए हम महेंद्र जी अनुपड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चीकू भैया को हमने कहा कि भाई आपके निर्देशन में यहाँ पर चीकू भैया के निर्देशन में ही यहाँ पर जिनालय का निर्माण होगा। चीकू भैया का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्रीमान मांगीलाल जी कुमार साहब जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो यहाँ जिनालय का पूरा निर्माण कार्य पूरा उनकी देख रेख में होगा। मांगीलाल जी साहब, नौरत जी साहब, रामा भाई सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जल्दी से जल्दी ये जिनालय पूर्ण रूप प्राप्त करे ऐसी आशा करते हैं। श्रीमान राजकुमार जी कोठारी जयपुर वालों को वास्तुविद है तो हमने उनसे काफी बार संपर्क किया और उन्होंने कहा भाई मुसा पंचायत और मयूरा टाउनशिप के हिसाब से आप यहाँ पर पद्म प्रभु जिनालय का निर्माण कीजिए और पद्म प्रभु भगवान को यहाँ पर विराजमान कीजिए, ऐसा श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब ने बताया। और उनके निर्देशानुसार यहाँ पर पद्म पुरुष जिनालय का निर्माण कर रहे हैं। हम श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर सभी जो श्रावक लोग सभी पधारे हैं, समाजजन सभी पधारे हैं, सभी को यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को, मीडिया कर्मी को, सरेरा ग्रुप, चाहे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैन गजट से भी शिखर चंद जी पधारे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मदनगंज किशनगढ़ में पद्म प्रभु भगवान का
ये प्रथम जिनालय है और यहाँ पर स्थापित हो रहा है। हम सभी समाजजन जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। जय जिनेंद्र।